Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel AK Educate. Viewers, अगर आप YouTuber हैं तो आपके YouTube चैनल पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड होंगी, जैसे कि मेरे चैनल पे YouTube और Facebook के रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती हैं। फ़र्ज करें आप एक व्लॉगर्स हैं और आपके YouTube चैनल पे मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद के व्लॉग्स की वीडियोस अपलोड हैं, तो अब आपने करना ये है कि मुल्तान के व्लॉग्स की अलहदा प्ले लिस्ट बनानी है और बाकी सबकी अलहदा अलहदा प्ले लिस्ट बनानी है। तो इससे आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि आपकी वीडियो के व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने के चांसेस होते हैं। प्ले लिस्ट बनाते वक्त 2 से 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग होती हैं और डिस्क्रिप्शन होती है, वो आपने लाजमी करनी है, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो ये सब करने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। आप ये सब अपने मोबाइल के गूगल क्रोम के डिस्टा वर्जन से भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, हम अपने वीडियोस की प्लेलिस्ट बनाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल में आ गए हैं। तो पहले जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलता था वो मिलता था कंटेंट के नीचे, लेकिन अब कंटेंट के नीचे एनालिटिक्स है। तो हमें प्लेलिस्ट का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो हमने कंटेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, एक वीडियोस, लाइव, पोस्ट और प्लेलिस्ट का। तो यहाँ पे आके हमने प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ भी शो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हमारी कोई प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई। अगेन हम वीडियोज़ पर क्लिक करेंगे तो जिन वीडियोस की हमने प्लेलिस्ट बनानी है तो हम उन वीडियोस पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं अपनी YouTube वीडियो की अलग-अलग प्लेलिस्ट बनाना चाहता हूं तो मैं YouTube वाली वीडियो सिलेक्ट करूंगा। वीडियो सिलेक्ट करके मैंने क्लिक करना है ऐड टू प्लेलिस्ट, तो यहां पे क्रिएट प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहां पे हम अपनी प्लेलिस्ट का टाइटल देंगे। तो इसके बाद मैं विजिबिलिटी पे क्लिक करूंगा। यहां पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, तो मैंने पब्लिक ही रखना है। फिर क्रिएट पे क्लिक कर देना है, अगेन आपने सेव पे क्लिक कर देना है। तो व्यूअर्स, इस तरह हमारी जो है ना प्लेलिस्ट क्रिएट हो गई है। अब हम जाते हैं प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, लेकिन अभी तक यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा, तो हमने पेज को रिफ्रेश करना है। तो ये देखें, आपके सामने प्लेलिस्ट बनकर आ गई है। तो व्यूअर्स, आप भी इस तरह अपनी वीडियोस की प्लेलिस्ट बना सकते हैं। जिस तरह मैंने अपने YouTube वीडियो की प्लेलिस्ट बनाई, इसी तरह मैंने Facebook की बनाई। तो ये 2 प्लेलिस्ट बनकर आपके सामने आ गई हैं। तो आपने भी इसी तरह प्लेलिस्ट को क्रिएट करना है। अब क्रिएट करने के बाद जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करना है, आपने पेंसिल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है अगेन पेंसिल पे, आपने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, आपने स्क्रॉल करना है नीचे, आपने सेव पे क्लिक करना है। तो इस तरह आप अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। अगेन आपने क्लिक करना है 3 डॉट पे और क्लिक करना है प्लेलिस्ट सेटिंग पे। फिर यहाँ पे आके आपने ऐड न्यू वीडियोस टू टॉप ऑफ प्लेलिस्ट को ऑन कर देना है, ताकि आपकी जो भी न्यू वीडियो हो वो आपकी प्लेलिस्ट की टॉप पे आ जाए और उस पर व्यूज ज्यादा से ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। व्यूअर्स, आप भी इसी तरह अपनी प्लेलिस्ट की सेटिंग करके अपनी वीडियोज पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज ला सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।